हेयर ग्रोथ ऑयल जो हम घर में बनाएंगे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। पहला इंग्रेडिएंट है गुड़हल के फूल, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हम ले रहे हैं वो है करी लीव्स यानी कि मीठी नीम पत्ती, अगेन लॉट ऑफ बेनिफिट्स। थर्ड इंग्रेडिएंट इज अनियन प्याज। And the fourth ingredient is kalonji, black cumin. ये चार ingredients को मिलाकर हम अपने oil में mix करके और बनाएंगे एक natural homemade hair growth oil. आप quantity देख सकते हो, फूल को आप fresh भी use कर सकते हो। और जो हमारा oil है वो coconut oil लिया है मैंने, ये 250 की है, मैंने दो बॉटल्स ली हैं तो इट इज अराउंड 500। दोनों को हम एक पैन में गैस पर रख देंगे गर्म होने के लिए। गैस को एकदम सिम पे रखिएगा, बिल्कुल स्लो में। उसके बाद जो हमारे चारों इंग्रेडिएंट्स हमने लिए थे वो हम ऐड कर देंगे, यानी कि प्याज, कलौंजी, मीठे नीम पत्तियाँ और फूल। चारों को अच्छे से ऐड करके उसको हम मिक्स कर देंगे ऑयल में। प्याज हम यूज करने की कोशिश करते हैं पर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम, तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा एक ऑयल में मिक्स कर लीजिए और जब भी ऑयलिंग करते हैं आप, मसाज करते हैं, तो इस ऑयल को यूज़ कर लें तो सारे इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट आपको एक साथ मिल जाएंगे। स्लो में 20 मिनट्स के अराउंड उसको बॉईल होने दें एकदम सिम में। कुछ इस तरह से वो दिखने लगेगा 20 मिनट के बाद। और ये अब हो गया है तो अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हम इसको ओवरनाइट रख देंगे, रात भर में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट डे हम देख रहे हैं कि कलर और ज़्यादा डार्क हो चुका है क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, पूरे बेनिफिट्स हमको मिल जाएंगे अब ऑयल में। अब उसको अच्छे से मिक्स करके और अब हम उसको छानेंगे, ठीक है। तो ये जो रेस्ट मटेरियल है वो सब अलग हो जाएगा और एक प्रॉपर हमको ऑयल मिल जाएगा ताकि हम उसको अच्छे से अप्लाई कर सकें। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें, कोई भी छन्नी या कॉटन क्लोथ या जैसे भी आपको, उसको अच्छे से छान करके उसके बाकी के एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स को हटा देंगे। नारियल के तेल का कलर पूरी तरीके से अब बदल चुका है, वो ब्लैकिश शेड में आ गया है क्योंकि हमने कलौंजी डाली थी जो कि बालों को काला करने के लिए अच्छी होती है। वापस से हम उसी नारियल के तेल के डिब्बे में उसको डाल देते हैं और उसी में हम कंटेन कर लेंगे। आप कोई और चाहें तो बॉक्स यूज कर सकते हैं। और ये देखिए पूरा कलर बदल चुका है उसका, सारे बेनिफिट्स इसमें आ गए हैं। अब हम सीखेंगे कि उसको लगाना कैसे है तेल को। तो यदि आप रात में अप्लाई कर रहे हैं तो पहले नारियल के तेल को हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद टिप्स में है हाथों की टिप्स में लेके और स्कैल्प में अच्छे से धीरे धीरे एक साइड से लगाना शुरू करें ताकि कोई एरिया मिस नहीं हो, और पूरा एक राउंड लेते हुए स्कैल्प में अच्छे से मसाज कर लें इस हेयर ऑयल को। थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके और फिंगर टिप में लगाना है और पूरे स्कैल्प में अच्छे से उसकी मसाज करनी है। डोंट बी हार्श,
स्कैल्प को बहुत आराम से जब सामने की पूरी स्कैल्प में लग जाएगा तो उसके बाद हम बालों को पीछे करके और पूरे पीछे की भी स्कैल्प कवर करेंगे। स्कैल्प अब पूरी तरीके से कवर हो गई, अब हम बालों में लगाएंगे तो रब नहीं करना है, सीधे सीधे आराम से उंगलियों को फेरना है तो तेल अपने आप लग जाएगा। लास्ट की हेयर टिप्स में भी अच्छे से लगाना है ऑयल, हेयर एंड सबसे ज़्यादा ड्राई होते हैं तो इसमें अच्छे से ऑयल अप्लाई करें और पूरे बाल में अच्छे से लगने के बाद हम चोटी बना लेंगे। एक बहुत रफली चोटी बना लो ताकि डैमेज ना हो, जब भी आप वॉश करने वाले हो तब तक डैमेज ना हो, और इस तरह से ऑयलिंग हो चुकी है हमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।